हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसका पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम पढ़ रहे हैं, और जिसमें मैंने हुक्स लॉ किया था, इसके प्रीवियस वीडियो में बताया और एप्लीकेशंस को बताया। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके जो एप्लीकेशंस की बात किया, जिसका पहला एप्लीकेशन में पहला केस जो था वो ये था कि इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर एक्सियल लोड। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने बात किया था कि इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर एक्सियल लोड। अब इसकी जो इलोंगेशंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट बोल सकते हैं कि इलोंगेशन हो रहा है। और जो मैंने पहले भी बताया था कि एप्लीकेशन क्या है हुक्स लॉ का, कि अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है उसको कैलकुलेट करने पर, ठीक है, एक्सियल लोड के कारण स्ट्रक्चरल मेंबर पे जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो करते हैं उसी को हुक्स लॉ एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ बोलते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि पहला केस इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर एक्सियल लोड। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका इलोंगेशन, अगर उसके ऊपर एक्सियल लोड ये लग रहा है, एक्सियल लोड अगर लग रहा है तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके और उसका न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल जो पूछे गए हैं वो एग्जांपल मैं बता दूंगा, चाहे वो एसएससी जेई में पूछे, चाहे आरआरबी जेई के एसएससी जेई की जो कन्वेंशनल पेपर है उसमें पूछता हो, चाहे आप पीएससी में देख सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो। जैसे मान लो ये कोई बार है, ठीक है, यहाँ पे मैं ये बार बता रहा हूँ। अब देखिए, मैंने बोला है प्रिज्मेटिक, ये जो प्रिज्मेटिक बार बोला है ना, प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है, यहीं पे मैं लिख के बता देता हूँ। प्रिज्मेटिक का बार मतलब हर पॉइंट पे, ठीक है, प्रिज्मेटिक का बार का मतलब है कि इसके किसी एक पॉइंट पे देखो कि सब पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना वो सेम होता है, उसको प्रिज्मेटिक बार होते हैं। मतलब लिख सकते हैं कि पॉइंट, एवरी पॉइंट हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी सेम। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये आपका बार है जिसका ये एल है, ठीक है, ये एल इसका लेंथ है, ठीक है, और इसका ये एरिया, ठीक है, ए है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये है, मतलब हर पॉइंट पे उसका ए ही होगा। प्रीवियस में मैं ए नॉट एल नॉट बता रहा था तो वो ट्रू स्ट्रेस बताना था, इसलिए मैं उसको लेके चल रहा था, लेकिन हर जगह पे आपको ए दिखेगा और एल दिखेगा, एल नॉट या ए नॉट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो इलोंगेशन कब होगा ये भी ध्यान रखना कि इलोंगेशन कब होगा, जब टेंशन होगा तब, ठीक है, टेंशन होगा तब। एक्सटेंशन कब होगा, जब कंप्रेशन होगा तब, ठीक है, इलोंगेट मतलब बढ़ रहा है। तो टेंशन लोड देखो, यहाँ पे पी लोड मैंने टेंशन लोड लगाया, तो आपने ये पढ़ रखा है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और जब ये प्रोपोर्शन हटाते हैं तो ये कहा जाता है, जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, यंग्स मॉडुलस आ जाता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस आ जाता है। अभी यहां पर ध्यान दें कि ये जो पी लोड होता है तो उससे स्ट्रेस क्या होता है, पी अपन ए होता है, ये आपको पता ही है, और इसके अंदर स्ट्रेन क्या प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता है कि डेल एल अपन ओरिजिनल लेंथ होता है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये दोनों वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर देते हो तो देखो सिग्मा की वैल्यू पी अपन ए और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ये कैपिटल ई है, यंग्स मॉडुलस, एप्सिलॉन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्या है, डेल एल अपॉन एल, तो ये डेल एल ही क्या है, उसका चेंज इन लेंथ है, ये जो चेंज हो रहा है इसमें, ये चेंज हुआ, ये तो है ना डेल एल, ठीक है, तो ये डेल ही एल तो फाइंड आउट करना है कितना इलोंगेट हुआ, तो डेल एल इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डेल एल इक्वल टू लिखो तो ये इधर जाएगा पी एल और ये यहाँ पे आएगा तो ए ई, ठीक है, पी एल अपन ए ई आ जाएगा। ये फॉर्मूला बनता है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट ये बताऊं मैं कि इस पे जो ये लोड अप्लाई होता है ना, जो लोड अप्लाई होता है, लोड अप्लाई होता है वो ग्रेजुअल लोड होता है, ध्यान देना, ग्रेजुअल लोड होता है, ग्रेजुअल लोड होता है। ग्रेजुअल लोड मतलब पहले हो सकता है 20 का 20 न्यूटन लगाया हो, फिर बाद में 30 न्यूटन का लगाया हो, फिर बाद में
बढ़ के 50 न्यूटन हुआ हो, फिर बढ़ के 80 न्यूटन हो गया हो, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा के ये 80 न्यूटन का लोड लगाया गया है, तब ये पी की वैल्यू 80 न्यूटन रखेंगे तो फिर बाद में जो आएगा चेंज इन लेंथ, वो इसके चेंज इन लेंथ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 80 न्यूटन का जो लोड है ना, 80 न्यूटन का लोड सडन अप्लाई कर दिए, अगर ये सडन अप्लाई करोगे, ध्यान देना, सडन अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसका जो डेल एल डैश आएगा, ये डेल एल डैश की बात करो, उस टाइम पे जो चेंज इन लेंथ आएगा वो डबल हो जाएगा, जो पहले आया होगा, ये जो पहले का है ये इसके दो गुना कर दोगे जब सडन अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये नोट करके पहला पॉइंट लिख सकते हो, नोट करके पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन लोडिंग इज सडन देन इलोंगेशन विल बी डबल, ये भी पॉइंट को ध्यान रखें, ठीक है, लोडिंग अगर सडन है तो इलोंगेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, इलोंगेशन डबल हो जाएगा। दूसरा अगर नोट करके पॉइंट मैं बताऊं, नोट करके अगर दूसरा पॉइंट अगर लिखना है तो देखो, स्प्रिंग का अगर हम, ये जो स्प्रिंग था, ठीक है, स्प्रिंग था, स्प्रिंग के ऊपर मैं ये पी लोड अप्लाई करता था तो यहां पर आ गया, ये इतना ये डिफ्लेक्शन हो गया, एक्स जितना डिफ्लेक्शन होता था, ठीक है, पी लोड अप्लाई किए, यहाँ पे पी लोड अप्लाई किए, यहाँ पे लोड नहीं था, यहाँ पर पी लोड अप्लाई किए तो एक्स इतना हो गया, तो इसका स्टीफनेस जो फाइंड आउट करते थे ना, स्टीफनेस की बात कर रहे थे, के जो स्टीफनेस के है वो क्या आता था, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन एक्स, ठीक है, के जो आता था वो क्या आता था, पी अपॉन एक्स आता था, तो यहां पर तो ये स्टीफनेस पता चल रहा है कि इसका पी अपॉन एक्स करके निकाल लें, लेकिन अगर यहीं पर इस मटेरियल का अगर देखेंगे, ये जो मटेरियल हमने लिया है माइल्ड स्टील, इसके ऊपर पी लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका अगर मैं इसकी स्टीफनेस की अगर मैं बात करूं तो स्टीफनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन ये डेल एल, यही होता है ना, डिफ्लेक्शन जितना हो रहा है वो, अभी डेल एल की वैल्यू इसमें पुट कर दो, डेल एल की वैल्यू पुट करो तो डेल एल की वैल्यू क्या है, पी एल अपॉन ए ई, मतलब यहाँ पे ए ई आ जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जा रहा है, ए ई अपॉन एल। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि कोई अगर माइल्ड स्टील का अगर स्टीफनेस फाइंड आउट करना है कि उस मटेरियल का स्टीफनेस क्या है, तो ए ई अपॉन एल वैल्यू पुट कर देना, ए ई अपॉन एल की वैल्यू पुट कर देना, आपको उसका स्टीफनेस मिल जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि उसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से ध्यान रहे कि ये प्रिज्मेटिक बार का है, ठीक है, स्टीफनेस ऑफ दिस प्रिज्मेटिक बार, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टीफनेस ऑफ दिस प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार की बात कर रहे थे, ठीक है। वहीं अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, नोट थ्री करके लिख लेना, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, वन अपॉन स्टिफनेस होता है, वन अपॉन स्टिफनेस होता है, तो वैल्यू पुट कर दो वन अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है, वन अपॉन ए ई इंटू यहां पे एल हो जाएगा, ए तो क्या आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी वैल्यू एफ से इंडिकेट करें तो वैल्यू क्या आ गई, एल अपॉन ए ई आ जा रही है। तो इस तरीके से आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मटेरियल का स्टिफनेस इस फॉर्मूले की वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले की वजह से आप फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि उसकी क्या स्टिफनेस होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्या क्वेश्चन पूछा है कि अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज टू बी रेस्ड एट द एंड ऑफ अ स्टील, ठीक है, एक स्टील के एक एंड स्टील वायर है, ठीक है, वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ, ठीक है, 3 मीटर स्टील वायर का लेंथ है, उसके एक एंड पे क्या कर रहे हैं, 10 किलोन्यूटन का लोड रेज कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस, इफ द
परमिशिबल स्ट्रेस इन द वायर इज नॉट टू एक्सीड 80 MPa, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू है ये। फाइंड मिनिमम डायमीटर, मिनिमम डायमीटर एंड एक्सटेंशन ऑफ द वायर, ठीक है। टेक ई इक्वल टू 2 × 10⁵ MPa, मतलब न्यूटन पर mm². अब इसको ये फाइंड आउट करना है, इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन करो तो एक गिवन ले लो, गिवन डाटा ले लो, ठीक है। गिवन डाटा ले लिया, क्या क्या वैल्यू दिया है देखो, लोड दे दिया है, पी की वैल्यू कितना दिया है 10 kN, ठीक है, ठीक है 10 kN, तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻³ N हो गया। रेज टू द एंड ऑफ स्टील वायर एल की वैल्यू दे दिया है 3 मीटर, तो एमएम में कन्वर्ट करो 3000 mm हो गया, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस मतलब सिग्मा दे दिया है, कितना दे दिया है 80 MPa, मतलब न्यूटन पर mm² आ गया, ठीक है। उसके बाद से इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, डी इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको अगर पता है, अगर आपको मैं बोलूं कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेस एरिया का फॉर्मूला, अगर डायमीटर की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 4D² होगा। ये फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, डेल एल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो एरिया का फॉर्मूला पाई बाई 4D², ये डी फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, पी अपन ए, वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू क्या है, दिया है 80 और इसकी वैल्यू 10 × 10⁻³ और इसका वैल्यू पाई बाई 4 × D², ठीक है। ये वैल्यू को इधर कर देते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू मैं इधर कर दिया और इधर क्या हो गया 40 अपॉन ये यहाँ पे पाई की वैल्यू है, ठीक है, 4 भी क्या है ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये 80 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपकी डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लो, ये 4 × 2 = 20 आ गया, ये 0 कैंसल, ठीक है, तो 2 आया और 2 का करोगे तो ये 500 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कैल्सी में सॉल्व करोगे, मतलब इनको सॉल्व करो फिर बाद अंडर रूट इसका फाइंड आउट कर लो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.61 mm, ठीक है, इतना इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई इतना, तो फिर बाद में एरिया फाइंड आउट कर लो, इसकी वैल्यू अगर ये आ जाती है तो ये वैल्यू में पुट कर दोगे तो एरिया मिल जाएगी। फिर उसके बाद से डेल एल का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया, पी एल अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻³ × L की वैल्यू 3000 अपॉन ए की वैल्यू वही यूज कर लो, पाई पाई 4 मतलब यहाँ 4 आ जाएगा और डी स्क्वायर मतलब 12.61 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। ई की वैल्यू 2 × 10⁵ कर लो, ये वैल्यू को सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी और उसकी वैल्यू आ रही है 1.2 mm आ गई, और डेल एल की वैल्यू 1.2 mm। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस को लेकर आऊंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट केस को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।